इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलोइंग बॉडी. देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था किसके अंदर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड के अंदर. तो पहली इक्वेशन क्या होती है न्यूटन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर मैं इसको देखूँ किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v होगी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल u होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के केस में a की जगह स्मॉल g बन जाएगा, क्योंकि दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिमिलरली यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे डिस्टेंस होता था लेकिन ग्रेविटी है तो यहाँ पे हाइट होगी, क्योंकि चीजें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगी. तो हम इसको s से कंसिडर ना करके किससे कंसिडर करेंगे, h, h से कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे s की जगह h चेंज हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, और a की जगह g. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, s विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ h अगर ग्रेविटी की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ स्मॉल g. तो ये चीजें कन्वर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगी. तो s h बन जाएगा और a g बन जाएगा, ये आपको याद रखना है. इन द केस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के केस में s हो जाएगा h और a हो जाएगा स्मॉल g, ठीक है. और बाकी सेम टू सेम रहेगी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन. आई थिंक गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट, मास एंड वेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी आपके पास में अगर फोन है, ठीक है, आप फोन जो देख रहे हो उस फोन के कि मास क्या होगा और वेट क्या होगा, तो उसको समझने के लिए देखते हैं. मास की सिंपल सी डेफिनेशन, द मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट. मतलब आपका जो फोन है उस फोन के अंदर जितनी बॉडी का, मतलब उसके अंदर जितना मटेरियल है, जितना मैटर है, और जो जो मैटर उसने कंटेन कर रखा है उसको मास बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बैलून लेते हैं, ठीक है, एक बैलून को हम फुलाते हैं. अब ये बैलून फूलने के बाद में क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका जो मास होगा, ऑक्यूपाइंग स्पेस, मतलब जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करे आपके एनवायरमेंट में, वो एरिया बोला जाएगा उसका मास. लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगाना, मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी फोर्स लगाना, मतलब कि नीचे की तरफ अगर आप उसको देखो, आप वेइंग मशीन पे रखोगे तो कितना फोर्स वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेट. वेट एक फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो वेट क्या है, एक फोर्स है. वेट को आप फोर्स बोल सकते हो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. लेकिन मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि मैटर कोई भी चीज है, मटीरियल है, उस मटीरियल, वो मटीरियल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस अपना यूनिवर्स के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसको बोलते हैं मास. तो समझ आई बात. तो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ है तो उसको वेट बोलते हैं. तो वेट बेसिकली एक फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स किसकी तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ. और मास क्या है कि कितनी जगह घेरता है वो यूनिवर्स के अंदर, उसकी क्वांटिटी कितनी है. समझ आया. ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज द वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट, एक एग्जांपल से लेते हैं, एक एस्ट्रोनॉट है, वो एस्ट्रोनॉट अर्थ के ऊपर आता है. अर्थ के ऊपर उसका वेट अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है या फिर ग्रेविटी फोर्स होता है वो अलग होता है. और मून के ऊपर जाएंगे तो मून के ऊपर अलग वेट होगा उनका. लेकिन दोनों जगह चीज क्या होगी, सेम मास, कि वो इतना, जितनी जगह वो घेर सकते हैं वो मून पे भी उतनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे और अर्थ पे भी. तो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सेंटर की तरफ जितना वो ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं उसको वेट बोलते हैं. और मून के ऊपर वो चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी 1/6 टाइम है अर्थ की, कम है. तो वेट कैन बी चेंज बट मास कैन नॉट बी चेंज एनीवेयर. मास नहीं बदल सकता, मास एज इट इज रहेगा. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. अब अगर इनके बीच के डिफरेंशिएट की पॉइंट्स की बात करें, तो मास का पहला है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी इज कॉल्ड द मास, वो अभी हमने डिस्कस किया. सिमिलरली वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इस सेंटर. अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट अपने सेंटर की तरफ किस फोर्स से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स ही वेट होता है. लेकिन मास की किसी भी बॉडी के अंदर मैटर कितना है, उस वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. दूसरा,
डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस है मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास में तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, लेकिन वेट की तो एक डायरेक्शन वैल्यू होती है ना, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में नहीं समझ आता तो समझिए, स्केलर का मतलब होता है कि कोई ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी, ऐसी फिजिक्स की चीज जिसके अंदर दिशा मतलब डायरेक्शन बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। लेकिन जिस क्वांटिटी के अंदर आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप तो समझ आ गया होगा। तो वेट की तो हम डायरेक्शन बता रहे हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्शन बतानी होगी, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका मास ऑफ अ बॉडी इज कंटेन्ड एवरीवेयर इन यूनिवर्स, ओके, कॉन्स्टेंट रहता है आपका मास हर जगह। जैसे हमने बोला कि मून पे भी आपका मास उतना ही होगा जितना आपका अर्थ पे होगा, लेकिन आपका वेट अलग अलग प्लेनेट पे चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है दोनों के अंदर, दैट इज द थर्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज एम इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, आप बोल सकते हो। और वेट क्या होता है, देखिए किसी भी चीज का आपको वेट निकालना है तो वेट इज बेसिकली व्हाट, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी वाला लगेगा, तो mg। तो किसी भी चीज का वेट होता है mg, समझ आ गया। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज द थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए थ्रस्ट और प्रेशर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले थ्रस्ट की बात कर लेते हैं। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, लेकिन वो फोर्स जो किसी भी चीज पे परपेंडिकुलरली लगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सरफेस है, इस पे कोई एक फोर्स इधर ये लग रहा है, इसको हम थ्रस्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये सरफेस है और इस पे कोई एक फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये फोर्स भी है और थ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो जब कोई फोर्स परपेंडिकुलरली किसी चीज पे लगे तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, दैट्स इट। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब हो गया कि जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर वो पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया जाए, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर, समझ आ गया। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है, जो फोर्स की होती है। अब प्रेशर की यूनिट निकालने के लिए थ्रस्ट की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। दूसरी यूनिट अगर इसको बोले तो इसका दूसरी यूनिट है पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट। नॉर्मल फोर्स जो नॉर्मली लगता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। और वो जिस एरिया पे लगे, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया की हम बात करें तो उसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इज व्हाट, द फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है और थ्रस्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। जब अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एरिया किसी चीज का कम होगा तो प्रेशर उस पर ज्यादा लगेगा। जैसे आपकी जो बैग की स्ट्रिप होती है, स्कूल बैग की स्ट्रिप होती है, वो चौड़ी होती है बिकॉज ऑफ, अगर वो चौड़ी ना हो, अगर वो छोटी हो, पतली हो, तो जो पूरा का पूरा वेट है वो आपके पूरे छोटे से पार्ट पे आ जाएगा, मतलब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर आपके कंधों पे बढ़ जाएगा। अगर जितना ज्यादा एरिया होगा उसका तो उतना कम प्रेशर आपको फील होगा आपके शोल्डर्स पे। तो ये समझ आया आपको कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा ऑफकोर्स उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा किसी भी चीज पे, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर आपको फील होगा, ओके। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रेशर इन फ्लूइड्स, ओके। फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेशर होता है क्या, सबसे पहले हम बात कर ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स होते क्या है, फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, ओके, कोई भी चीज। तो कौन कौन सी चीजें जनरली जो फ्लो कर सकती हैं, एक तो होता है लिक्विड और एक होता है गैस। इन दोनों चीजों को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। द फ्लूइड इज अ थिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, ओके। अब ये भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करती है, देखिए सबसे पहले हम वाटर की बात करें, वाटर या फिर लिक्विड की बात करें। तो वाटर के अंदर जब हम जंप करते हैं, कभी आपने स्विमिंग पूल में आपने डाइव किया होगा, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने खुद का वेट बहुत कम फील करते हो, ठीक है। या फिर आप एक पत्थर को लीजिए,
एक स्टोन को लेके पानी में डालना, जितना वेट पहले पानी के बाहर आपको फील हो रहा था उससे कम आपको पानी के अंदर फील होगा। व्हाई? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, मतलब उसको बाहर निकालना चाहते हैं, और उस अपथ्रस्ट फोर्स को ही, और वो वैसा ही गैस जो होती है वो भी एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं क्या, उस अपथ्रस्ट फोर्स को बोलते हैं बियोंसी। ओके, बियोंड फोर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियोंड फोर्स और बियोंसी? देखिए, बियोंड फोर्स और बियोंसी का मतलब होता है कि आपने लिक्विड, ये वाटर है, इस वाटर के अंदर आपने बोतल डाली, खाली बोतल, और बोतल को डाल के छोड़ दिया। जैसे आप छोड़ोगे तो बोतल जंप करके बाहर की तरफ आएगी। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने जो ऑब्जेक्ट डाला था, अच्छा आप बोलोगे कि अच्छा तो हम पत्थर डालते हैं, पत्थर तो नीचे चला जाता है, लेकिन खाली बोतल जब डालते हैं तो वो ऊपर आ जाती है। व्हाई? तो देखते हैं, सबसे पहले कि आपने पत्थर डाला था उस पर भी एक बियॉन्ड फोर्स लगा था, क्योंकि जब भी आप पत्थर को अंदर, आप लिक्विड के अंदर रखे अगर उठा रहे हो तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन पत्थर को बाहर उठाओगे तो बहुत भारी लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बियॉन्ड फोर्स का मतलब होता है अपथ्रस्ट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड या फिर गैस के द्वारा लगाया गया एक ऐसा फोर्स जो उसको ऊपर उठाए, मतलब कि उसको हल्का कर दे, जो अपने से बाहर निकालना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हर डायरेक्शन से एक लिक्विड उसको टच करेगा, और हर डायरेक्शन से लिक्विड टच करेगा तो हर डायरेक्शन से इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहेगा। दैट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बियोंसी फोर्स, ओके, या बियॉन्ड फोर्स। अच्छा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बियॉन्ड फोर्स? पहला जो फैक्टर है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, कि कितना वॉल्यूम आपने लिक्विड के अंदर डुबाया है, इमर्ज किया है, एक तो इसके ऊपर। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड, जिस लिक्विड में या फ्लूइड में आपने ऑब्जेक्ट डाला है उसकी डेंसिटी क्या है। अगर देखिए, एक जेल लीजिए और एक आप लीजिए वाटर, अब अगर जेल के अंदर मैं एक पत्थर को डालूंगा तो ऑफकोर्स उसके ऊपर कम अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूविंग नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो पार्टिकल्स कैन बी इजीली मूव, हट सकते हैं अपने रास्ते से और आसानी से पत्थर को अंदर जाने देंगे, लेकिन वो अपथ्रस्ट फोर्स भी उतना ही लगाएंगे। समझ आ गई बात? आई थिंक दो फैक्टर्स होते हैं बियॉन्ड फोर्स के, कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और दूसरा होता है कि कितना वॉल्यूम आप डाल रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं इनको। कभी आप बाथरूम में गए होंगे, बाथरूम में जाके पानी से भरा हुआ टब है जिससे आप नहाते होंगे, वो अगर फुल भरा हुआ है, कंटेनर जिससे नहाते हो आप, फुल भरा हुआ है, जैसे ही आप अपना हाथ अंदर डालते होगे तो जो लबालब पानी से भरा हुआ था उसमें से पानी बाहर निकल जाता होगा, ठीक है। और आपने मान लीजिए उसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल दी, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पानी के अंदर डालते जाओगे उतनी ज़्यादा पानी बाहर निकलता जाएगा। आपने थ्रस्टी क्रो की एक स्टोरी सुनी होगी। थ्रस्टी क्रो की स्टोरी में क्या होता है कि एक आधा मटका भरा होता है, लेकिन जो कौवा होता है वो पत्थर ला के उस के अंदर डाल देता है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कौवे को भी पता था, ठीक है, तो अभी आपको भी पता चल जाएगा। तो क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि आप जितना ज़्यादा वेट किसी भी लिक्विड के अंदर डालोगे उतना ही वेट का लिक्विड बाहर निकल जाएगा। दैट इज द सिंपल, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आर्किमिडीज ने इसको बस साइंटिफिक प्रूफ कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझें, तो ये एक लिक्विड है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नली लगाई हुई है, ये कोई वेट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को जितना जितना ज़्यादा डालता जाता हूँ, इतना डाला तो पानी इतना निकला, फिर मैंने पूरा डाल दिया तो पानी, देखिए पानी का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जितना वेट आप पानी के अंदर डालोगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब मूव कर जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बोला है तो कैसे बोलेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। ये थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज हो गई है। तो इजीली ये होगा कि जितना ज़्यादा पानी आप, जितना पानी से अगर भरा हुआ टब है, जितना वेट उसमें आप डालोगे, खुद अगर उसमें पैर डालोगे तो जितना आपका वेट पैरों का होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आर्किमिडीज ने बोला था। नेक्स्ट, डेंसिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का रियल मीनिंग क्या होता है?
डेंसिटी का रियल मीनिंग होता है, आपने अपने चारों तरफ तीन चीजें देखी होंगी मैक्सिमम टाइम, एक तो लिक्विड देखा होगा, एक सॉलिड और एक गैस, ठीक है। हम तीन तरीके की तीन स्टेट देखते हैं, एक तो लिक्विड स्टेट देखते हैं, एक सॉलिड स्टेट और एक गैसियस स्टेट देखते हैं किसी भी मैटर की, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या होता है, इनमें एक ही चीज का फर्क होता है कि गैस की जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है, ठीक है। सबसे कम डेंसिटी का मतलब क्या है, देखिए हर एक मैटर, हर एक चीज पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। अब जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं एक सॉलिड का एक मीटर क्यूब लूँ, है ना, पर मीटर क्यूब का मतलब सॉलिड का एक टुकड़ा निकालूँ जिसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो 1 मीटर हो, या फिर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके आसपास में कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, आपने पत्थर देखा, पत्थर को 1 सेंटीमीटर के क्यूब में निकाल लिया। सिमिलरली आपने एक लिक्विड लिया और लिक्विड को भी 1 सेंटीमीटर के क्यूब में निकाल लिया। सिमिलरली आपने गैस लिया और गैस को भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लिया। अब एक चीज देखनी है आपको, क्या करना है, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकाला इन तीनों चीजों को, तो अब क्या करना है, मैं आपसे बोलूँ कि आप एक काम करो, जो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी 1 सेंटीमीटर का क्यूब है और ये भी 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। मैं बोलूँ इसके अंदर जितने पार्टिकल है उनको काउंट कर लो, इसके अंदर जितने पार्टिकल है उनको काउंट कर लो और इसके अंदर जितने पार्टिकल है उनको काउंट कर लो। तो अब जब काउंट करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है ना वो इसमें मिलेंगे, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, है तो सारे के सारे 1 सेंटीमीटर क्यूब ही ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। अब पार्टिकल्स किस चीज को दिखाते हैं, मास को, किसी भी चीज के मास को, क्वांटिटी मास को ही तो दिखाती है। तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मास पर यूनिट, अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि इसके अंदर का वॉल्यूम, अब इसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूं मैं इसको। तो वॉल्यूम की मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट मास की वैल्यू को ही हम डेंसिटी बोलते हैं ना। तो समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास ऑफ मैटर, उसको हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये है आपका कोई 1 सेंटीमीटर का क्यूब और ये भी एक सेंटीमीटर का क्यूब है, इसमें पार्टिकल्स हैं कम और इसमें पार्टिकल्स हैं कम। पार्टिकल्स कम है तो मास भी कम होगा, इसमें पार्टिकल ज्यादा तो मास भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मास इसका ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, इस वाले की डेंसिटी भी कम होगी। जितना कम मास पर यूनिट वॉल्यूम है उतनी कम डेंसिटी, ठीक है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स है, बोल दीजिए ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, समझ आया। इसकी यूनिट अगर निकाले, मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इससे तीन फॉर्मूले आ सकते हैं, एम का, वी का और डी का, ठीक है, रिलेशन है ये। अब ये क्लियर हुआ होगा आई थिंक। What is the meaning of relative density? What is the meaning of relative density? देखिए क्या होता है, relative, जिस चीज के आगे relative लग गया तो इसका मतलब है उसको किसी ना किसी चीज से हमें relate करना है, ठीक है, relate करके पढ़ना है। अच्छा क्यों पढ़ते हैं relate करके? इसलिए क्योंकि हमें कुछ ही चीजों के बारे में पता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है, जैसे कि मुझे पता है कि दिल्ली कहाँ है, ठीक है, मुझे पता है कि दिल्ली कहाँ पे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर किधर की, मतलब कहाँ पे है, और ये नहीं पता है कि मैं मध्य प्रदेश किधर की तरफ है, वो ये नहीं पता है, तो मैं क्या बोलूँगा। अब अगर मुझसे दिल्ली के अंदर कोई पूछेगा कि, या फिर मैं मान लो कोई दूसरी जगह राजस्थान में हूँ और किसी ने पूछा कि मध्य प्रदेश किधर है, तो मुझे तो सिर्फ दिल्ली पता है ना, तो मैं बोलूँगा दिल्ली से आप नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ जाओगे, साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है, ऐसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता था, दिल्ली का लोकेशन पता था। सिमिलरली जब कोई चीज आपको पता होती है, नॉन होती है, तो उससे रिलेट करके जब चीजों को बताया जाता है उसको बोलते हैं रिलेटिव। और डेंसिटी की ऐसी बात है कि डेंसिटी हमें जो बेसिकली पता होती है वो पता होती है वॉटर की, ठीक है, वॉटर की डेंसिटी हमें पता होती है। तो हम हर एक
चीज की डेंसिटी हम अगर वाटर से रिलेट करके बताएं तो उसको ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे वाटर की डेंसिटी हमें पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाया उसकी डेंसिटी, अगर किसी ने पूछी कि इसकी डेंसिटी कितनी है तो हम बोलेंगे वाटर से ज्यादा। कोई पूछे इसकी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, पूछा इसकी डेंसिटी कितनी है, वाटर से कम, ऐसे बता दिया। तो बेसिकली हम क्या क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ वाटर के बारे में पता है, वाटर की डेंसिटी के बारे में। तो मैक्सिमम लोगों को वाटर की डेंसिटी के बारे में पता है, इसलिए हम उनको समझाने के लिए एक पैमाना, एक मेजरमेंट यूज करते हैं कि इससे ज्यादा कि इससे कम, उसको ये बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस किसकी रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ वाटर की रिस्पेक्ट में, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो समझ आया है पूरा चैप्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। रिलेटिव मतलब रिलेट कर देना, किसकी डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से, दैट्स इट, दिस इज द वेरी कॉमन थिंग। ओके, तो थैंक यू, अगर आपको समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।